पर संभव थे तो मेरे 50 लाख का सोना बड़ी होशियारी से बचाया। इसके लिए मैं तुमको स्पेशल इनाम दूंगा। बस माल हमारे गोदाम तक पहुंच गया। वेरी गुड, वंडरफुल, कम ऑन गर्ल्स, ओपन योर प्राइस बॉटल फॉर मी, आई एम मेकिंग हैप्पी, कम ऑन यू टू। चले चलन किया, मेरा सोना तुम्हारे गोदाम तक पहुंच गया। अब मेरा कैश एकदम तैयार है। अब मैं लॉरेंस नहीं रहा। पुलिस और इंटरपोल की नजरों में लॉरेंस मारा जा चुका है और उस दिन से मैं नकली शेख बन गया, शेख अब्दुल सत्तार। बट यू कैन कॉल मी जस्ट शेख, ओनली शेख। शेख दैट्स राइट नेम। कालीशरण, इस धंधे के लिए मैंने बहुत कुर्बानी की। इस आंख को निकलवाकर नकली आंख लगवाई, एक टांग का ऑपरेशन करवाकर लंगड़ा बना, तब कहीं पुलिस से जाकर पीछा छूटा, और कालीशरण इतना सब कुछ करने के बाद ये 25-50 लाख का धंधा हमको सूट नहीं करता। तुम तो जानते हो कि यूरोप में हम अकेला आदमी है जो 25-50 करोड़ का माल एक साथ खरीद सकता है। अगर इस दफा हम तुम्हें 5 करोड़ की चरस सप्लाई करें तो? चरस? अरे चरस का मार्केट तो बहुत तेज है कालीचरण, 5 करोड़ का 50 करोड़ बन सकता है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन कालीचरण 5 करोड़ तुम्हारे पास आएगा कहाँ से? इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा अपने सेठ जी की मेहरबानी से। दैट ओल्ड मैन जो अफ्रीका में रहता है, क्या नाम है उसका? शेठ वृंदावन। वृंदावन? बट ही इज अ बॉस, वो तो तुम्हारा मालिक है। हाँ मालिक है, लेकिन अब रहेगा नहीं। Yes. सर, अफ्रीका से सेठ वृंदावन का एजेंट टेलीग्राम आया, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस जगह के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सारे हिंदुस्तानी यहाँ से जा रहे हैं, और हमने भी अपने घर वापस आने का फैसला कर लिया है। 1 महीने के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं। हमारे पहुंचने से पहले बंगले की सफाई वगैरह सारे इंतजाम करा दो। देखो रॉबर्ट, अगर सेठ वृंदावन को यह पता चल जाए कि हम उनकी सारी जायदाद बेचकर स्मगलिंग में लगा रहे हैं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सेठ वृंदावन ही न रहे। That is wonderful. बल्कि सेठ वृंदावन ही क्यों, उनका सारा खानदान ही न रहे। That's much wiser. क्योंकि फिर सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। I know that. Mr. Watson, can I have the file, please? Yes, boss. कुर्बानी के बकरे। हाँ, ये रहा तुम्हारा जाली पासपोर्ट और टिकट, और ये उस खानदान की तस्वीर, इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। यह है सेठ वृंदावन, और यह उनका लड़का सूरज, और यह नींबू उनकी लड़की। बस सिर्फ 3 आदमी, सारा खानदान ही यही है। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इनमें से कोई बचने ना पाए। मिस्टर कालीचरण, मौत से बचना आसान है लेकिन रॉबर्ट से बचना नामुमकिन। When I kill them, they stay dead. इस काम को करने के बाद हिंदुस्तान वापस मत आना, सीधा माल्टा पहुंच जाना। वहां जो हमारा नाइट क्लब है उसका चार्ज भी तुम ही ले लेना, लेकिन सारा काम होने के बाद। अभी तक तेरा भाई नहीं आया। डैडी, मेरा तो दिल धड़क रहा है, कौन जाने कब क्या हो जाए। शायद भाई आ गया। भैया, बेटे बड़ी देर करती। डैडी, शहर में चारों तरफ लूट मार मची है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। हमारे निकलने का इंतजाम हुआ? हाँ डैडी, मेरा एक अफ्रीकन दोस्त 12 बजे जीप लेकर आ रहा है,
हम लोग बैक डोर से निकल चलेंगे। वेरी गुड। तो देखो बेटे ऐसे करते हैं, इस घर की तमाम बत्तियां जलने दो ताकि लोगों को यह पता लगे कि हम यहीं हैं। थोड़ा बहुत सामान पैक कर लो, बाकी हमारा सब कुछ तो हिंदुस्तान में है बेटे। ओके जी। ऑलराइट, यू बोथ गेट रेडी। सिर्फ दो घंटे बाकी, जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं मेकअप वेकअप में मत लगी रहना। क्या भैया, मैं आपकी तरह हूँ क्या? नहीं, 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 नहीं। मेरे नाने का बंदोबस्त किया? यस मैडम। अच्छा लूसी, तुम्हें हिंदुस्तानी साड़ी पहनने का बहुत शौक है ना? जी। मैं जा रही हूँ, इन साड़ियों में से तुम्हें जो भी साड़ी अच्छी लगे तुम रख लेना। मैडम हमको ये साड़ी पसंद है। ये साड़ी पसंद है? अच्छा ये रख लेना। और लूसी वो जो बैग है ना उसे बाहर निकालो और मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल के रखना, मुझे पैकिंग करनी है। ओके मैं आती हूं। लूसी ये लो। ओके थैंक यू मैडम। इस वक्त सारा खानदान घर के अंदर है, चारों तरफ से मकान बांध रहे हैं। जाओ सुनो, अगर कोई बाहर आने की कोशिश करे गोली ला देना उसे। को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, दुश्मन आ गए हैं, उसे लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। हाँ डैडी, हम सब हिंदुस्तान जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे डैडी? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है। हाँ, हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में। डैडी जो प्लान बनाया है वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी, उसमें सिर्फ एक लड़की की मदद की जरूरत है और लड़की भी मैंने देख ली है, अब जरा उसको फांसना है। लड़की से हमको याद आया, कालीचरण याद है तुमने हमसे वायदा किया था कि तुम हमारे महल में एक शमा रोशन करोगे? ये लड़की हमारे दोनों काम आएगी, स्मगलिंग में हमारी मदद भी करेगी और फिर उसके बाद
आपके महल की रोशनी भी बढ़ाएगी। वंडरफुल, एक झलक देखोगे। श्योर श्योर। वाह, इट्स ब्यूटी ब्यूटीफुल। ये है कौन? थिएटर की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस? लेकिन ये हमारा काम करेगी? करना ही पड़ेगा, उसकी एक दुखती रग मेरे हाथ में है। Oh,
तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं मिलने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको ये तस्वीर दिखाने आया। कई बरस पहले सनराइज होटल में खून हुआ था। पुलिस का ख्याल है कि वो खून किसी लड़की ने किया था। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मेरा पता है। कल 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। नहीं, मैंने वो खून नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस तुम्हें कातिल समझती है और तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? मैं तो तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। जब एक एक्सीडेंट में तुम्हारा बाप अपाहिज हो गया और सारे घर का बोझ तुम्हारे सर पर आन पड़ा, तो उस वक्त एक आदमी ने होटल सनराइज में नौकरी के बहाने से तुम्हें बुलवाया था ना? हाँ। वो आदमी बोगस था। आपको कैसे खबर? इसलिए कि उसे मैंने ही भिजवाया था। आपने भिजवाया था? क्यों? उन दिनों मेरा धंधा ही यही था कि गरीब लड़कियों को किसी न किसी बहाने से होटल में बुलवाता और उनके साथ मेरे आदमी जबरदस्ती करते और मैं छुपे हुए कैमरे से उनकी सारी तस्वीरें लेता और यूरोप वगैरह भिजवाता। उस दिन तुम्हारे साथ भी यही किया जाता, मगर मेरे किसी दुश्मन ने खिड़की से आकर उस आदमी का खून कर दिया। तुम तो वहां से भाग निकली, लेकिन तुम्हारी उंगलियों के निशानात वहीं रह गए। तब से पुलिस तुम्हारी तलाश में है। अगर आज ये पुलिस को पता चल जाए कि कल की वो गरीब लड़की आज की मशहूर एक्ट्रेस सुधा है, तो मेरे सिवा तुम्हें कोई फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पास वो सबूत मौजूद है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है। सबूत? कैसा सबूत? मैं तुम्हें दिखाता हूं। स्टार्ट द फिल्म जोसेफ। यही मेरा वो आदमी है ना जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ओके जोसेफ, देखा, इससे बेहतर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हो सकता और ये फिल्म मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैंने यूरोप में तुम्हारे डांस के लिए कुछ शो बुक किए हैं। तुम्हें अपना ट्रिप लेकर यूरोप जाना होगा और तुम्हारे सामान के साथ मैं अपनी चरस भी भेज दूंगा, और जिस दिन तुम मुझे यूरोप में ये चरस बहिफाजत डिलीवर कर दोगी तो उस दिन मैं तुम्हें ये फिल्म दे दूंगा। ओके, लो इस कागज पर दस्तखत कर दो। आप हालात का फायदा उठाकर मुझे एक जुर्म करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। फिर सोच लो, मेरी बात न मानकर जैसे ही तुम यहां से बाहर निकलोगी पुलिस का शिकंजा तुम्हारा इंतजार करता होगा। ऐसी सूरत में तुम तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओगी, लेकिन तुम्हारा सारा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत बन जाएगी। शट अप, ये बकवास बंद करो। मुझे गाली देने से न तुम बच सकती हो न तुम्हारा खानदान। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी। Thank you.
सच नहीं है लैला। लैला मेरा दिल कहता है कि मेरे भैया जिंदा है, वो जरूर बच निकले होंगे। ये सब तुम्हारा वहम। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि वहाँ के लोगों ने तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दिया। उस जलते हुए घर में तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप दोनों मर चुके हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम वहां पहुंच गए, हमने तुम्हें बचा लिया, अपने साथ यूरोप ले आए। तुम्हें तो हमको इनाम देना चाहिए। तुम मेरे भैया को ढूंढने का लो, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। जी हाँ, मुर्दे भी लोगों को इनाम दे सकते हैं कभी। देखो हमने तुम्हें यहां लाने में बहुत खर्चा उठाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम्हें हमारा काम करना होगा। तुम्हारे हाथ जोड़ते हो, मुझे मेरे भैया से मिला दो, नहीं तो बॉम्बे में हमारे मैनेजर है कालीचरण अंकल, मुझे उनके पास भेज दो। हाँ हाँ उनके पास भी भेज देंगे, खबर तो उन्हें पहुंच ही जाएगी। दरअसल तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लैला जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, इन्हें पाबंदी से लेती रहना। लो खा लो। नहीं लैला, इसके खाने से मेरा सर चकराने लगता है, मुझे गोली क्यों देती हूँ? डॉक्टर ने कहा है खा लो। वेरी गुड। ये लो शाह, ज़ेब्रा कॉलिंग। सारा काम ओके हो गया सर, हम माल्टा पहुंच गए। वेरी गुड। तो गया सारा खानदान खत्म हो गया? ऑफ कोर्स, बाप बेटे तो दोनों आग में जल गए और बेटी जिंदा हमारे हाथ लग गई। अम्मा उसे क्यों छोड़ दिया? अरे बड़ी अच्छी चीज है बॉस, इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। आजकल जरा उदास रहती है, मैंने उसे हल्के हल्के नशे की चाट पे लगा दिया। कुछ ही दिनों में राम हो जाएगी तो हमारे क्लब के कस्टमर्स का दिल बहलाने में काम आएगी। ओह नॉट बैड, लेकिन उससे जरा होशियार रहना। हेलो बॉस, बिजी है? कौन है, पूछो क्या काम है। ओके बाय। गुड न्यूज, सारे दुश्मन खत्म हो गए। क्या कहा? सिर्फ वृंदावन का लड़का सूरज कुमार आया है? ओ नो, क्या युगांडा से आया है? यस सर, आप युगांडा से आए हैं? हाँ मैं युगांडा से आया, सिर्फ वृंदावन का लड़का हूँ, कालीचरण में अंतर है, उनसे कहीं मैं फौरन मिलना चाहता हूँ। मेरी उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेज दो। थैंक यू। और वो बेवकूफ समझता था कि सब मायने, मगर आपकी तकदीर का सितारा बहुत बुलंद है बास, शिकार खुद चलकर शिकारी के घर आ गया। ठीक, मैं जाकर उससे हाल में मिलता हूँ, तुम सारा इंतजाम करो। ओके बास। मुन्नी और पिताजी का आग में जलने का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मदद? कैसे? देखो बेटा, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का नमक खाया है, मैं जानता हूं कि तुम लुट चुके हो, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, इस घर को अपना ही घर समझो। अपना घर समझो? कि घर ये बिजनेस ये कारोबार सब हमारे ही तो है। है नहीं बेटे, था। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफा जब तुम्हारे पिताजी हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें ये सारा कारोबार बेच देना पड़ा, और उनकी मदद के लिए मैंने ये सब कुछ खरीद लिया। वो बेचारे भी क्या करते, हालात ही कुछ ऐसे थे, वो मजबूर हो गए। मजबूर हो गए? उन्हें किस बात की मजबूरी थी? शायद तुम नहीं जानते, और फिर मैं बताना भी नहीं चाहता था कि उन्हें रेस और जुए की बुरी लत पड़ गई थी। मैंने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था, वो जुए में अपना सब कुछ हार गए। आप मेरे पिताजी पर छोटी तोहमत लगा रहे हैं, वो एक तीर्थ आदमी थे, जुआ देखकर उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ तक नहीं बोला था। मरते वक्त उन्होंने खुद मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में हमारी बहुत सी जायदाद है। तुम्हें तसल्ली देने के लिए कहा होगा बेटा, और फिर ये तो लिखा पढ़ी की बात है, मेरे पास तो सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं,
अब ये जायदाद तुम्हारी नहीं रही। कालीचरण, पिताजी तुम्हें अपना छोटा भाई समझते थे, लेकिन तुम आस्तीन के वो सांप निकले जिसका काटा पानी तक नहीं मांगता। मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। परेशानी तो आदमी को सिर्फ पागल कर देती है, मगर लालच इंसान को एक पागल कुत्ता बना देता है जो अपने मालिक को भी काट लेता है। तुम समझ जो हालात का फायदा उठाकर तुम हमारा सब कुछ हड़प कर लोगे और यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चरण, अगर यहाँ का कानून हमें इंसाफ नहीं दिला सका तो एक दिन तुम्हारा इंसाफ ये हाथ करेंगे, उस दिन का इंतजार करना। डरिए मत मेरे साहब, मेरी जान को खतरा है, कुछ होने मेरे पीछे लगे। यंग मैन, ज्यादा तो नहीं लगी? जी नहीं, कोई खास नहीं। आप नहीं होते तो आज मैं मारा गया होता। इस एहसान का बदला मैं कैसे? एहसान का बदला बाद में चुकाते रहिए, पहले अपना जख्म तो दिखाइए। ओ, मेरे पास फर्स्ट एड है, मैं भी लाता हूँ। मिस सुधा, आप तो ठीक हैं? एग्जाम हो गए, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने की कैसी बात नहीं, आप जैसे मशहूर एक्ट्रेस का एक बाल भी बीका हो जाए तो हजारों का दिल टूट जाएगा। मैं भी फर्स्ट एड लाता हूँ। आप, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, क्या करता मजबूरन उन लोगों की वजह से मुझे आपकी गाड़ी लेकर भागना पड़ा। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपकी बहादुरी देखकर हमने आपको माफ कर दिया। बहादुर तो वाकई आप बहुत हैं, हम भी दिल से दाद देते हैं। चलिए कोट उतारिए। आपने उस आदमी से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। अगर एक पार्टनर थोड़ी सी बेईमानी भी कर ले, सह लेना चाहिए। पार्टनर, इसकी बात कर रहे हैं आप? जिसके आदमियों ने आपके ऊपर हमला किया। मैं जानता हूं शहर का एक बहुत बड़ा रईस है, लेकिन असल में वो एक स्मगलर है। स्मगलर? लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरा भी धंधा स्मगलिंग का है। जब वो आपका दुश्मन हो गया है तो आप हमारे दोस्त हो गए, इसलिए अब आप हमारे साथ मिल जाइए। माफ कीजिए आप मुझे। ओ, घबराने की कोई बात नहीं, अगर वो 5 लाख देता है तो मैं 10 लाख दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं कोई स्मगलर नहीं हूं। अगर आप स्मगलर नहीं तो उसके घर क्यों गए थे? उसके घर जाना पड़ा मुझे, इसलिए कि उसने हमारे साथ बेईमानी की है। मेरे पिताजी की मौत के बाद वो हमारी सारी जायदाद हजम कर गया। चलो यूं ही सही, आप हमारे साथ मिल जाइए तो उससे बदला ले सकते हैं। बदला तो उससे मैं ले ही लूंगा, मगर एक पाप को खत्म करने के लिए दूसरे पाप का सहारा कभी नहीं लूंगा। आपने मेरी जान बचाई है, मुझ पे आपका कर्ज है, कभी वक्त आया तो जरूर चुका। ओ, इट्स ऑल राइट, बहादुरों पर किसी का कर्ज नहीं रहता। थैंक यू, बाय बाय। मेरा ऑफर याद रखना।
अजीब आदमी है, स्मगलिंग की ऑफर देते हैं। चलिए आपकी गाड़ी बाहर निकाल दो। एक बात पूछूं? पूछिए। सच्चाई पर चलने की हिम्मत जितनी आप में है, अगर सब में होती तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए इंसान को सच्चाई पर भरोसा करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आप गाड़ी चला सकेंगी, आइए। अरे आप नहीं आएंगे क्या? मैं तो आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं रॉयल होटल में ठहरा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, मेरे रास्ते में है। कब? ओके। कॉलिंग हेडक्वार्टर्स, कॉलिंग हेडक्वार्टर्स। कमाल है, उसने आपको स्मगलर कैसे समझ लिया? शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। सूरत से तो आप स्मगलर तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगते हैं किसी सर्कस में काम करते हैं। आपको जोकर लगता हूँ मैं? जोकर भी लगते हैं और चोर भी। क्या चुराया मैंने आपका? क्यों, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चुराए? माफ कीजिएगा, इतना घटिया चोर नहीं जो इस खटारा गाड़ी को चुराने की तकलीफ करता। कोई बढ़िया चीज होती तो जरूर चुरा लेता। गाड़ी में एक बढ़िया चीज भी तो थी, मगर इस बढ़िया चीज को चुराने की हिम्मत कहाँ से लाता? क्यों, लड़कियों से डरते हैं आप? डर तो आप भी गई थी कहीं भगा कर ना ले जाऊं आपको। मैं डर गई थी? मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूँ। अगर आपके दिल में जरा भी बेईमानी देखती, या तो आपको गोली से मार देती, या तो खुद गाड़ी से कूद कर अपनी जान दे देती। मैम साहब, जरा गाड़ी रोकिए, मैं उतर जाता हूँ। डरिए मत, मैं जानती हूँ कि आप शरीफ आदमी हैं। कभी कभी शरीफ आदमी का दिल भी बेईमान हो सकता है। अगर ऐसे शरीफ आदमी के दिल में बेईमानी भी आ जाए तो कोई बात नहीं। अरे क्या क्या कर रही हो? अन्नी ये अखाने के टच बटन, ये गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलानी क्यों है? ए पागलवान है, जरा कुड़िया मुंडिया नू इश्क मुश्क कर ले आने दे। क्यों बाबू जी, कुड़ी फंस गई है रफ्ता रफ्ता। और की गल कर रहे हो सरदार जी? बाबू जी, ये कुड़ी फंसी नहीं, नेड़े नेड़े क्यों बैठे हुए हो? साडी गल मनो ते घर जाके जफिया मारो, ये ते म्युनिसिपैलिटी दी सड़क है। सॉरी सरदार जी। जाओ जाओ। सरदार जी ने ठीक ही कहा था ना जी, यहाँ के बजाय घर चलते हैं। घर नहीं, आप मुझे रास्ते पर ही छोड़। अरे आप मेरे पिताजी से तो मिलके जाइए। पिताजी से? अरे डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। ठीक है, चलिए आपके पिताजी से मिल लेते। बड़ी देर कर दी बैठी, मैं तो परेशान हो गया था। बाबू जी इनसे मिलिए, मिस्टर सुंदर जी, इन्होंने मुझे आज बुम्बई से बताया। अरे चोट वोट तो नहीं आई? चोट मुझे नहीं आई, इनके कंधे पे जख्म आया। अरे जी तेरे बैठे खड़े क्यों, बैठो आओ बैठो। भगवान तो मैं सुखी रखे बैठे, आज तुमने अब हम बाप की बेटी की लाश रखी। जी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपकी बेटी खुद बहुत बहादुर है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बाबू जी आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इतना खून बहा है, पीना पड़ेगा। मुझे पीना ही पड़ेगा, उसने कह दिया ना बस। क्या बात है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? बेटे मैं सर्कस में ट्रेपीज पे काम किया करता था, एक्सीडेंट हो गया एक दिन। दीदी दीदी आपके दोस्त है? हाँ। बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है? बहुत। अब देखो ना, अपने थिएटर ग्रुप के साथ विलायत जाने की जिद कर रही है और मेरा दिल नहीं मान रहा। आप तो बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं, मैं वहाँ जाकर ढेर सारे रुपये कमा कर लाऊंगी, आपको इलाज के लिए विलायत ले जाऊंगी, पुष्पम को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। क्यों आपके ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर जाना चाहिए,
इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की तो दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती है। करेक्ट, सुन लिया बाबूजी? अच्छा 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 जी, मैं इजाजत चाहूंगा, कभी कभी आते रह जाते। जय नमस्कार। जीते रहो जी। बाबूजी बाबूजी, दीदी के फ्रेंड कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी। ओके बाय बाय। आप फिर जी? कुछ नहीं। क्या जी? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। किए जाते हो किस जुर्म में? स्मगलिंग के जुर्म में। स्मगलिंग? हाँ। What do you mean? पुलिस को शक है कि तुम कालीचरण के आदमी हो और उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हो। ये झूठ है। झूठ हो गया सर, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। इंस्पेक्टर ले जाओ उसे बड़े साहब के पास। ले जाओ ले जाओ। Help these people. Congratulations, Mr. Go. Thank you, Mr. Rustam. Now let's talk. Okay? Okay. Right? Right, 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 मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम अपना पेच कस के रखो। मिस्टर गॉम, हमसे भूल हो गया, तुम दिल्लाता काय को है, ये कस लिया। रेडी गो। माफ कीजिए, मजबूरन हमें थोड़ी ज्यादती करनी पड़ी। दरअसल हम आपके और आपके सेठ कालीचरण के धंधे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप सच सच बता दें तो हम आपको सरकारी गवाह बना सकते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, स्मगलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप सच कहते हैं तो अपना बयान लिखवा दीजिए, हम उसकी तफ्तीश करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्हें ले जाओ और बयान लिख लो। यस सर। तुम्हारे सब आदमी निकम्मे निकले, जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी वो सांप का बच्चा मिले उसका सर कुचल दो। याद रखो, उसकी जिंदगी हमारी मौत है, वो हमें तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमने पूरी छानबीन कर ली है, आपका बयान बिल्कुल सही है, आपको तकलीफ हुई इसके लिए माफी चाहते हैं। ओह इट्स ऑलराइट सर, ये आपकी ड्यूटी थी। यंग मैन, हमें अफसोस है, कालीचरण इतना चालाक और बड़ा आदमी है, आई एम अफ्रेड कानूनी तौर पर तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता, भगवान ने इन बाजों में इतनी ताकत इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वाकई हिसाब चुकाना चाहते हो तो मैं अपनी ऑफर फिर दोहराता हूं, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका मतलब पुलिस में? हाँ, हमें तुम जैसे ईमानदार और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। कालीचरण सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, इस देश का भी दुश्मन है। हर स्मगलर देश का बद्दार होता है, और चरस का स्मगलर अपने देश का ही नहीं सारी इंसानियत का दुश्मन होता है। ये लोग नशे के जाल में फंसकर इंसान की आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आज तुम अकेले हो, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे पीछे इंटरनेशनल पुलिस की सारी ताकत होगी, जिसकी मदद से तुम न सिर्फ कालीचरण को खत्म कर सकोगे बल्कि चरस की स्मगलिंग को भी, ताकि करोड़ों नौजवान इस नशे के कुएं में गिरने से बच जाए। मैं तुम्हें जितनी हिम्मत और दिलेरी दी है उसे एक आदमी की दुश्मनी में जाया करने के बजाय अगर इसे इंसानियत की सेवा में लगा दो तो दुनिया के लाखों नौजवानों का जीवन तबाही से बच सकता है। आओ इस काम में हमारी मदद करो। मुझे मंजूर है। नहीं, कहने में नहीं नाचूंगी। तू नाचेगी, नाचेगी, तू जरूर नाचेगी।
नहीं, प्लीज। नो, तुम्हें नाच रहा होगा। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, शरीफ लड़की हूँ। शराफत से इस दुनिया में पेट नहीं भरता। हमने तुम पर पैसा खर्चा है, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने कपड़े बदलती हो या थोड़ा बल कीजिए, मैं इसे अभी तैयार करूँगा। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर इसी क्लब में गई, इतना लोग इंतजार कर रहे हैं इसका। जंगो, अगर ये लड़की अब भी आना का नहीं करे तो अपने तरीके से ले आना इसे। देखो, अगर तुम्हें इनसे बचना है तो इनका कहना मान लो, वरना ये कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। मुझे मर जाने दे लैला, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम इनकी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। तो फिर क्या करूँ? जो मैं करती हूँ। देखो, शर्म वरम छोड़, जो ये कहते हैं करती जाओ। जब हमें यही रहना है तो जैसी भी हो जिंदगी आराम से तो कटे। अरे, तुम्हारा बदन तो गर्म है, तुम थोड़ी सी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इससे क्या होगा, इसके पीने के बाद भी दिल का दर्द तो कम नहीं होता। बदनाम हो गई, बाजार में
ब्यूटीफुल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब किसी को शुभ भी नहीं हो सकता कि इसमें चरस भर दी गई है। चलो सुधा, अब तुम्हारे पिताजी ने खाना भी खा लिया। हाँ। क्या चरस हमेशा इसी तरह भेजी जाती है? नहीं, हर दफा कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम वालों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, वो लोग बहुत होशियार होते हैं और तुमको उनसे ज्यादा होशियार रहना है। आई एम श्योर यू विल डू दिस। खतरे तो जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम जैसी मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस पर कोई शुभा भी करे। और फिर वैसे तुम्हारी मदद के लिए हमारे वहां बहुत से आदमी होंगे। अब देखें तुम्हारे पिताजी क्या करें। देखो कितने खुश हैं ये लोग यहां। दो चार दिन में तुम यूरोप चली जाओगी, उसके बाद ये लोग बड़े इत्मीनान से रहेंगे यहां। नहीं नहीं, ये लोग यहां नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये लोग यहां से जा भी नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे वापस आने तक ये लोग हमारे मेहमान रहेंगे, हम इन्हें बड़े आराम से रखेंगे। ये तो साफ ब्लैकमेल है। ओह नो नो, ब्लैकमेल कहकर ईमानदारी के इस सौदे को बदनाम न करो। देखो हमारा करोड़ों रुपए का माल तुम्हारे हाथ में होगा, अगर तुम्हारी नीयत जरा सी भी खराब हो जाए तो हम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो सकते हैं। हमारे पास कुछ न कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पिताजी को पिताजी को समझाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, कोई खूबसूरत सा बहाना बना देना, आखिर तुम एक्ट्रेस हो। मिस्टर वाटसन, मैं चाहता हूं कि सुधा के साथ एक साधु के भेष में तुम भी सफर करो और तुम्हारे साथ 1,00,000 रुपए की चरस हुई। 1,00,000 की चरस? वो क्यों? मैं नहीं चाहता कि इस प्लान में कोई लूप होल रह जाए। अगर पुलिस को जरा सा भी शुभा हो या हमारा कोई आदमी गद्दारी करे तो तुम अपने आप को चरस के साथ पकड़वा देना, ताकि पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाए और सुधा आसानी से निकल जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, यू हैव डन वेल। थैंक यू सर। ये पिस्टल आज से तुम्हें कानून की हिफाजत के लिए दिया जाता है। थैंक यू सर। यू दैट विद दिस क्वेश्चन माय बॉय। यस ओके, पुट हिम ऑन। इट्स 4-2-1 रिपोर्टिंग सर। अपना कोड बताओ। नीला घोड़ा। ओके स्पीक 4-2-1। सर मुझे पक्की खबर मिली है कि सेठ कालीचरण के आदमी 4,00,000 की चरस शनिचर के रोज कहीं बाहर से शहर में ला रहे हैं। पूरा माल रुई से भरे हुए ट्रक में होगा। गुड, उन्हें कहां पर ट्रैप किया जाए? सर बम्बई से 20 मील 2 फरलांग पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जहां पर अक्सर ट्रक वाले आकर प्रसाद चढ़ाया करते हैं। मैं वहां पर साधु के वेश में बैठा रहूंगा और जिस ट्रक की तरफ इशारा करूं उसी में माल होगा। इट्स ऑल राइट। ओके लो, तुम्हारी पहली ड्यूटी भी आ गई। आई एम रेडी सर। गुड लक। वेरी वेल डन। अब हम शनिचर की शाम को एक ट्रक भेज देंगे, उसमें कुछ चरस होगी, वो तुम पकड़वा देना। लेकिन तुम्हारा असली काम यह होगा कि पुलिस और इंटरपोल को वहां उस वक्त तक उलझाए रखना जब तक हवाई जहाज से हमारा असली माल हिंदुस्तान के बाहर न निकल जाए। ऑल राइट बॉस। मगर जिस हवाई जहाज से आपका माल बाहर जा रहा है वो कितने बजे जाता है? शाम के 4:30 बजे। और कौन लेके जा रहा है? एक साधु। लेकिन आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ बताया जाए वो सुन लिया करो, अपनी तरफ से कोई सवाल न करो। आई एम सॉरी बॉस। इट्स ऑल राइट। ये लो, काम होने पर इतना ही माल और भी मिल जाएगा। ओके यू कैन गो। नंबर 10। यस बस। मैं चाहता हूं कि उस दिन छुपकर तुम दूर से इस पर नजर रखो, आजकल ये कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगा है। राइट बस। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो टाइम प्लीज देव की नाई। जय 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 बॉयज गेट रेडी, करूं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कब तक आएगा गोसाई? आएगा अभी आने वाला, करो कुछ देर तो भाई। हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान कसाई। अरे कहाँ जात हो तुम गोसाया, लघु शंका को जात है भाई। एक तारे का काम वहां क्या, बिन संगीत न कछु है सुहाई। ओके कट इट आउट, गेट इन वाइट एलिफेंट। ओके सर। हेलो वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ऑन द राइट सर। वाइट एलिफेंट टाइगर हियर, एवरीथिंग इज ओके, तुम एयरपोर्ट पर अपना काम शुरू करो। मैडम ये सब सामान आपका है? ये सब हमारे स्टेज का सामान है, यूरोप हम शो करने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सब सामान हमको खोलकर चेक करना पड़ेगा। देखिए अल्लाह बिगड़े काम बना दे, दुश्मन का तू पता बता दे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सच्चे का बोल है बाला, अरे बुरे का मुंह है काला। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बन पीरा। अल्लाह तो रो नाम, ईश्वर तो रोन। पानी साहब मैं भी बताता हूँ। हाँ बता से हम तो मैं तुम्हारा एक काम कर रहा था, तुमने मुझे गोली मार दी। भगवान साहब 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 चरस यहाँ नहीं है। चरस कहाँ है? चरस कहाँ है? चरस कौन ले जाए? चरस वहाँ है साहब। पानी जल्दी पानी लो। यस तुम्हें अस्सी जोड़ दी है? जी नहीं, ये सब नकली है। इसमें किशोर का सामान है? जी हाँ, ये सब हमारा स्टेज का सामान है। अंदर से खाली मालूम पड़ता है। ये ऐसे बनते हैं, प्लाइट हैं। होश में आओ, चलो बोलो, जल्दी बोलो। साहब 5 करोड़ की चरस एयरपोर्ट पर कौन ले जा रहा है? एक साधु। साधु बोलो, जल्दी बोलो। 4 बजे। हाँ 4 बजे बोलो। एक हवाई जहाज से जा रही है। क्या हमारे साथ धोखा हो गया है? 4 बजे एयरपोर्ट से 5 करोड़ की चरस बाहर जा रही है। स्टॉप दैट इमीडिएटली प्लीज। ऑपरेटर मुझे एयरपोर्ट कंट्रोल ऑफिस से मिलाओ जल्दी। 4 बजे कौन सा इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहा है? उसे रोको। कालीचरण फिर अपना गेम खेल गया है। देखो एयर इंडिया की एक फ्लाइट थोड़ी देर में जाने वाली है, जो उस जहाज को दुबई एयरपोर्ट में पकड़ सकती है। तुम दुबई से उस जहाज में बैठना और उस साधु को फॉलो करना। हेलो एयर इंडिया फ्लाइट 4116 से एक सीट बुक करो। हाँ हरभजन सिंह। हरभजन सिंह के नाम से On behalf of Captain Smith and his crew, we welcome aboard the passengers joining us from Dubai. Our next stop will be Beirut.
and it would take us 2 hours 45 minutes to reach there. बीबी जी मैं सीट खाली है ना जी? सीट तो वहां भी खाली है। जो पैसेंजर पे खास नहीं, अगर बुरा ना मना तो मैं थी बैठ जाना। और जी थक जाएगी, रख लीजिए रख लीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी, न जानने पहचान हाथ पकड़ दूं। जी आप हमको नहीं जानते लेकिन हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप है ना वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस सुधा रानी, वहाँ तो हम तो बहुत दूर से देखते हैं आपको, लेकिन आज हमारे भाग खुल गया, आपको बहुत करीब से देख लिया। एक वो देंगी वो फोटोग्राफ। क्या वो क्या फोटो पे ऑटोग्राफ देते हो ना? लिसन, आई वांट टू चेंज माय सीट। आई एम सॉरी मैडम, यू कैन चेंज योर सीट आफ्टर टेक ऑफ। वुड यू फैसन योर सीट बेल्ट नाउ प्लीज। यू टू सर। माफ करना जी, आपके नीचे मेरी पेटी है। भूल गई जी मेरी पेटी। बहुत नाराज हैं आप हमसे? नाराज तो हमको होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब भी आप मिलती हैं कोई ना कोई इल्जाम लगा देती हैं हम पर। कभी कहती है जो कर, कभी स्मगलर, कभी कुछ कभी कुछ। आज बदतमीज कह दिया, हम ही सीट बदल लेते हैं। सूरज मैडम, यू वांट टू चेंज योर सीट? नो नो, इट्स ओके। नहीं जी, बस ठीक है, अब मामला ठीक हो गया, अब यही बैठेंगे। सूरज, ये क्या भेज बदल रहा है? सुधा, तुम जानती हो बम्बई में कितने दुश्मन हैं, इसलिए भेज बदल जरूरत हो गया। तुम तो टूर पर जा रहे हो ना यूरोप? और तुम? मैं कपड़े की मिल में एजेंट हो गया हूँ, एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स बुक करने जा रहा हूँ माल्टा। माल्टा? मैं भी वहीं जा रही हूँ। माल्टा जा रही हो? अरे ग्रुप तुमने तो इसके बाद याद भी नहीं किया होगा ना? मैं याद किया सर। बबली याद किया करती थी और पिताजी कहते थे। क्या कहें? लड़का बहुत अच्छा है। और तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? सामान कब आएगा? बहुत जल्दी है, मैं किसी ऑफिसर से पूछ के बताता हूँ। Next flight for London? Tomorrow. Inspector Harbhajan Singh from India. And after that? Welcome to Malta, sir. वो जो योगी आ रहा है माल उसके पास है। लेकिन तुम्हारे इतना सामान आया बॉम्बे से, ये ताजमहल एक्सेट्रा एक्सेट्रा? इसमें मेरे ख्याल में कुछ नहीं सर, ये हिंदुस्तान के एक डांसर है, यहाँ अपने ट्रिप के साथ आई है। That's okay. लेकिन जितना भी सामान बॉम्बे से आया है उसको सब चेक करना चाहिए। मैडम, I have a message for you. Somebody is waiting outside. It is there. मैसेज क्या है? देखो मेरी पहले शोरूम में बुकिंग हो गई है। वेरी गुड, फिर तो वो लोग तुम्हें लेने आए होंगे। एक काम करो, तुम्हारा सामान आया तुम चले चलो। तुम नहीं आ गए? मेरा तो देखो वो कपड़ों के सैंपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस, बहुत सारे झंझट में बाद में होगा। आई सी यू इन द होटल। ओके, बाय। ओनली द बॉम्बे पैसेंजर्स विल बी चेक्ड, द रेस्ट मे टेक देयर लगेज एंड गो। नेवर
are you from Bombay? Yes. Check all her luggage, please. And bring the other luggage quickly. See, there is nothing. Ma'am, we have to check everything. I'm very sorry. Yes. Your luggage? Yes, yes. You have to check it. Why check it? Luggage office, Sadhu. Oh, there's nothing in it. That's all right, Mr. Sadhu, but we have to check everybody's luggage. Check his luggage very carefully. You get out. So it's dangerous to stay here. Please hurry up, get out. Boys, take those things out, quick. रुक जाओ मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो लाइन में खड़े हो जाओ आस्क योर मैन टू थ्रो देयर गन्स थ्रो डाउन योर गन्स वो सारा सामान जो है अपनी ट्रक में ला दो तो मैडम आप पहले छोड़ जाइए वहां जाकर एक्ट्रेस की तरह मिली और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए वक्त पड़ने पर हम आपसे मिलेंगे ड्राइवर ड्राइव ऑन Anybody tries to blame his chief, I will shoot him. Ask your men to take my baggage out. Take his baggage out. मैं सच कह रहा हूं ये सारा माल मेरा है मुझे जस्ट पीने का शौक है अपने पीने के लिए ये माल लाया हूं मुझे किसी ने नहीं भेजा किसी ने नहीं सच सच बता रहा वरना सख्त सजा दी जाएगी बोलो एक साधु को सताओगे तो भगवान भी बदला लेगा कोई फायदा नहीं सर ये कालीचरण का खास आदमी है हमें कुछ नहीं बताएगा सवाल यह है चरस यूरोप पहुंची या नहीं ऑफ कोर्स चरस तो वहां पहुंच गई है क्योंकि मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यह है कि कालीचरण एक दो दिन में यूरोप जाने वाला है तो कालीचरण को वहीं अरेस्ट कर लो नो सर मेरे ख्याल में कालीचरण को आने देना चाहिए वो वहीं जाएगा जहां चरस जाएगी इस तरह हम उसे फॉलो कर सकते हैं आई थिंक यू आर राइट सूरज डिड यू गेट दैट हमीद आई एग्री अच्छी चाल है कालीचरण जैसे बंबई से निकलेगा मैं आपको खबर दूंगा ओके वेरी गुड हमीद ओवर नाउ So, आज से तुम दोनों को कालीचरण पर नजर रखनी होगी ताकि वो जैसे यूरोप के लिए निकले हम उसका पीछा कर सकें यस सर मिस्टर सूरज हमने आपके लिए होटल हिल्टन में इंतजाम किया है हिल्टन क्यों सर वो मैंने सुना है पैलेस होटल काफी अच्छा है क्यों क्या वो एक्ट्रेस वहां ठहरी है अजय हाँ वो ठहरी तो वही है लेकिन ये बात नहीं आई अंडरस्टैंड वेरी वेल इट विल बी द पैलेस फॉर यू ओ थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच कैन आई डिस्टर्ब यू मैडम शाम तक कहां थे अपनी मिल के लिए ऑर्डर्स बुक कर रहा था दुकानदारी कर रहे थे अब देखो मैम साहब आपकी तरह स्टार तो नहीं हूं कि इतने बड़े होटल में रहने को मिले घूमने के लिए गाड़ी मिले हमें तो ऐसे होटल में रहने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है आ गए ना फिर तानों पर आई एम सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मजाक ही करते हो या मेरी तरह सीरियस भी हो आर यू सीरियस रियली यस पर इस बात का सबूत क्या है जब लड़की हर वक्त किसी के बारे में सोचती रहती है उसका इंतजार करती रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ सुधा ये तो सब अंदर की बातें हैं नजर नहीं आती सबूत तो वो जो नजर आ जाए क्या सबूत चाहते हैं सबूत शर्म नहीं आती चलो यहां से से कहते हैं सीरियस लव तुम सबूत दे सकती हो फिर वही बात
हिंदुस्तानी लड़कियाँ ये सबूत शादी के बाद दे सकती है। तो फिर हिंदुस्तानी लड़कियाँ शादी से पहले क्या कर सकती है? बातें कर सकती है, घूम सकती है। गुड आइडिया। एक काम करते हैं, बोट लेते हैं और समुद्र दूर 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 तक चले जाते हैं। इस वक्त सुबह चलेंगे। डर लगता है मुझसे? तुमसे नहीं, अपने आप से डर लगता है। तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, चलो चल के सो जाते हैं। शादी से पहले अपने अपने कमरे में। ठीक है। सूरज प्लीज, इस वक्त तुम मेरे कमरे में आओगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे कमरे में कहा? मेरा कमरा तो ये रहा 304, तुम्हारे सामने। मेरे सामने? अच्छा, तो जाके अपने कमरे में सो जा, सुबह बोटिंग में जाएंगे। ओके, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। कल की हंसी मुलाकात के लिए चलो सो जाते हैं।
आप चाहते हैं। मैं तो हूँ दीवाना, मैं ये नहीं जाना, हमसे शर्म का क्या है बहाना। देखो पहले हम थे अजनबी, हो गए मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए, सो जाते हैं। भगवान के नाम से। अरे भैया 10 पैसे का सवाल है, 2-4 रुपए का सवाल है। डॉक्टर जाने की तैयारी हो रही है, हेडक्वार्टर को फोन। हेलो हेलो हेडक्वार्टर। हेलो कालीचरण निकला क्या? जाने की तैयारी हो रही है। अरे खुदा के नाम से। कालीचरण आने वाला है। अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे। अरे भाई तुम यहाँ भीख मांगता है? मांगता। तुम्हें पता नहीं बम्बई में भीख मांगना मना है? नहीं हमको नहीं मांगता। बॉम्बे में सब भिखारी पकड़े जा रहे हैं, तुम यहाँ नया हो क्या? हम कानपुर से आए, बनारस से। ओ बनारस से आए हो। पांडू बो साहब हेना आज घान बना हो जाओगे, सत्यानाश हो जाएगा। नहीं पहचाना ये कौन है? अरे मैं सबको जानता हूँ, 25 साल से हवलदारों को छक नहीं मारो। मानो अरे ये बाल कर्मचारी मत बता मेरा राज मत खोली तो सारे संसारी मुझे परेशान करेंगे। दोनों का कल्याण करो। अरे क्या कल्याण करो, इसकी माथे की लकीरें बताती है कि ये बहुत परेशान है प्राणी, इसकी स्त्री बहुत गर्म मिजाज है, इससे रोज झगड़ा करती है। इसको कैसे मालूम? इनको सब कुछ मालूम है, त्रिकालदर्शी है। एक बुरी खबर सुन। सुनाओ। इसी महीने की 16 तारीख को तेरी गरम मिजाज स्त्री मर जाएगी। मर जाएगी मेरी स्त्री? अरे महाराज तुम्हारा भलाओ, मैं तुम्हारे लिए पड़े लड्डू महाराज मेरे माथे की रेखा देखकर बोलिए मेरी धर्मपत्नी कम मरेगी। तुम्हारी स्त्री ऐसे आसानी से नहीं मर सकती, उसके लिए हमें उपाय करना पड़ेगा बच्चा। क्या उपाय है महाराज? 2 किलो मोबिल आए, 1 3 फासले, 1 मुर्गा, हाँ 1 बकरा, हाँ 1 गधा, 1 हाथी, हाँ मूछ लटक रही है। लटकने दे साले को, अरे जो जैसे कर्म करेगा वो तो लटकेगा ही। हाँ अभी तुम भी लटकोगे महाराज। पांडू घाट अभी यहाँ से निकल गया, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा। ठीक है तुम भी सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाओ, वहाँ तुम्हारा पूरा इंतजाम है, किसी भी ओपन फ्लाइट का टिकट और सफर का सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। Thank you.
ओनली प्लीज। कालीचरण आज रात को फ्लाइट 402 से चला गया है। उसके पास माल्टा का टिकट है। मेरे दो आदमी भी उसी जहाज में सफर कर रहे हैं। वो आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। उनका कोड है टोक्यो टावर। टोक्यो टावर। हेलो सूरज, हमीद ने अभी बॉम्बे से खबर दी है कि कालीचरण माल्टा के लिए रवाना हो गया। उसका प्लेन सुबह 8 बजे पहुंचेगा। आई वॉन्ट यू देयर। मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। ओके। Attention please. Ladies and gentlemen, we are now crossing the Mediterranean and within 45 minutes we shall be landing at Malta Airport. Local time is 7:45 a.m. Outside temperature in Malta is 29 degrees Celsius and the weather is... क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात को वादा किया था ना कि सुबह बोट में जाएंगे। अरे हाँ, मैं भूल गया। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर तुम्हारे कमरे में गई। मेड ने बताया कि तुम अभी भी बाहर गए हो। तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक भाग के आई। ये क्या हरकत है? हा? ये हरकत नहीं सुधा, मजबूरी है नौकरी की। मजबूरी क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक मिल में एजेंट हूँ। कल रात को उसका मालिक यहाँ आ गया, रात सुबह ही मुझे बुला लिया। किसी बहाने टाल दो। कैसे टाल दूं? आदमी प्यार करे तो नौकरी वोकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नौकरी में हुक्म टालना बहुत मुश्किल है। और जिससे प्यार का दावा करता है उसकी बात का कोई मोल नहीं है सुधा, लेकिन प्यार की तरह नौकरी भी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चली जाए, ऐसी नौकरी को छोड़ ही दो। सुधा, मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुधा, तुम इस तरह जिद करोगी तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। हो जा। चल प्लीज मुझे जाने दो सच्ची, मैं जल्दी लौटूंगा। हाँ प्लीज।
I'm a bit late. No problem, Suraj. उसके जहाज अभी लैंड किया। That man in cream suit is Kali Charan. इस वक्त हेलीकॉप्टर टाइगर झील से गुजर रहा है सर। हेलीकॉप्टर विनाटा से भी आगे निकल गया। अब हेलीकॉप्टर मदीना पार कर रहा है सर। हेलीकॉप्टर इस वक्त ब्लू लेक क्रॉस कर रहा है सर। सर हेलीकॉप्टर लॉन्ग बीच पे उतर गया है। लॉन्ग बीच वहां एक बहुत मशहूर नाइट क्लब है, हो सकता है उनका अड्डा वहीं पर हो। क्यों ना रुस्तम और गोम्स को स्पाइंग के लिए भेज दे रहे हैं। रुस्तम गोम्स तुम दोनों आज ही रात को उस नाइट क्लब में जाओ एंड ब्रिंग मी बैक अ फुल रिपोर्ट। यस सर। La 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 la
जगह पर खिलेगी अपने दिल की कली भी, इस जगह पर खिलेगी यही वो गली है यही पे मिलेगी, यही वो गली है यही पे मिलेगी, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दिल से प्यार मेहरबानी चरसता नहीं है ये दुनिया, मेहरबानी चरसता नहीं है। चारा 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 दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है फिर तो उधर ही होगा। ओहो यहाँ तो कई रास्ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किधर जाएं। कौन हो तुम लोग? हम चर्सी। हाँ? क्या कर रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे? बाथरूम। बाथरूम? हाँ। बाथरूम ढूंढ रहे ना? हाँ, बहुत जोर से आ रहा है। जोर से? हाँ। लेडीज है? हाँ, बंद। जाती हूँ, जाती हूँ। अरे चर्च के गोडाउन इधर नहीं पीछे है? नहीं नहीं तेरी यार। मैंने कहा था ना कि चर्च का गोदाम इधर नहीं पीछे। Come on, hurry up, we haven't got all day. Come on, you're wasting too much bloody time. Hurry up, run to bakse niche. Maal ka namuna dikhane ke liye sirf do bakse mangwana. Good, good. Robert, dono bakse khol kar sahab ko namuna dikhao. Yes. Yes. Sheikh, aap bhi dekhenge ke kya maal hai. Sure. Dijiye. Wow. रॉबर्ट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, हमें काली चरण पर भरोसा है। शेख, अब ये बताओ कि डिलीवरी आप कब और कहां लोगे? ओ काली चरण, माल्टा से माल बाहर करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम खुले समुद्र में डिलीवरी। इट्स मोर सेफ। ओके, वेरी गुड। रॉबर्ट, आज आधी रात से पहले ये सारे पक्षी अपने खुफिया जजीरे पर पहुंचे। ये माल गोदाम के अंदर डाल दो और ताले लगवा दो। आज रात को माल जाएगा यहां से। हरे अब
Come on, move it. चलो गाड़ी लेकर आते हैं। वो लोग गए, जल्दी से ट्रांसमीटर निकालो। चलो बाहर चले। है वो लोग वापस आ जाएंगे ताला लेकर। जल्दी से ट्रांसमीटर निकालो पहले। ठीक है। ला ला। हेलो 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 हेलो। कॉलिंग टोक्यो टावर, कॉलिंग टोक्यो टावर। टोक्यो टावर स्पीकिंग, टोक्यो टावर स्पीकिंग। सर हमने कालीचरण को ढूंढ लिया है। इस वक्त सब लोग लाबेला नाइट क्लब में है। सारी चरस भी यहीं पर है सर। वेरी गुड। मगर आधी रात को सारी चरस यहाँ से निकाल दी जाएगी। आप उससे पहले हमला कर दीजिए सर। ठीक है, हम आधी रात से पहले अटैक करेंगे। एंड अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस, जो भी हो हमें खबर देते रहो। राइट। ओके सर। ओवर। अगर 12,50,00,000 होते हैं, ये माल आप हमारे अकाउंट में जमा करवा दीजिए और अपने माल की डिलीवरी आइलैंड पे ले लीजिए। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। मगर कालीचरण, इस माल के साथ साथ एक और डिलीवरी की बात हुई थी जिसकी तुमने फोटो दिखाई थी। वरुशी, वरुशी। अरे तब फोटो दिखाई थी, अब असली भी दिखा देता हूँ। रॉबर्ट, जरा सुधा को टेलीफोन करना, उनसे कहना कि हमारे दोस्त उनकी सूरत देखना चाहते हैं। प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, बट इट्स योर प्रॉब्लम। तुम झूठे वादे करते हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं। तुम ऊपर से बात करोगे सुधा, जरा अपने दिल से पूछो वो क्या कहता है। दिल का क्या है, वो तो पागल है, जाने कितने सपने देखता है। कैसे सपने? यही कि मेरा काम खत्म होते ही मैं और तुम सारा यूरोप इकट्ठे घूमेंगे। वेनिस के कंडोलों में सैर करेंगे। वेरी गुड। स्विट्जरलैंड की झीलों और पहाड़ियों में गाने गाते फिरेंगे, है ना? मगर तुम्हें क्या, नौकरी से फुर्सत मिले तो प्यार के सपने देखो ना। सुधा, प्यार एक पंछी है जो आसमान की बुलंदियों तक उड़ना चाहता है, मगर इंसान के फर्ज और मजबूरियां उसे धरती से दूर नहीं जाने देते। सूरज, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार के अलावा मेरी जिंदगी में और जो कुछ भी है सब पाप है। आई लव यू। सर, इज अ टेलीफोन कॉल फॉर यू। Just come in. Hello. सूरज, तुम फौरन चले आओ। गोमजर रुस्तम ने खबर दी है कि इस वक्त कालीचरण और उसका सारा गैंग क्लब में मौजूद है। हमें अभी रेड करना पड़ेगा। बताओ, मैसेज कर यू। ओके। सुधा, सुना तुमने? मेरा बॉस भी अजीब सन की है, जब जी चाहता बुला लेते। अभी फोन आया कि जल्दी चले आओ। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जाना है जाओ। फिर नाराज हो गई? अगर तुम मेरी मजबूरियां समझती तो कभी नाराज नहीं होती। जी चाहता कि तुम्हें सब मजबूरियां बता दूं, लेकिन अभी जल्दी है, कल जरूर बता दूंगा। कल चल तो जाएंगे ना? डेफिनेट। And you did it! लीजिए, वो आ गई जिनका आपको इंतजार था। आओ सुधा, आओ। सुभान अल्लाह, आइए सुभान अल्लाह। सुधा, ये है हमारे दोस्त शेख अब्दुल सत्तार, यूरोप में हमारे माल के सबसे बड़े व्यापारी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे खुशी, खुशी तो नाम है तुमसे नजर मिलाने का। नजर मिलाना एक बहाना है दिल लगाने। वाह 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 वाह। सुधा, शेख को शायरी का बड़ा शौक है, बात बात में शेर कहते पुलिस ने क्लब को चारों तरफ से घेर लिया। ओह नो, कालीचरण, अब क्या होगा? डोंट वरी शेख। रॉबर्ट, सबसे पहला काम ये करो कि सारी चरस लेकर खुफिया रास्ते से निकल जाओ, और माइकल से कहना कि कस्टमर्स को वहीं छोड़ दो, अपने स्टाफ और लड़कियों को लेकर उसी रास्ते से निकल जाओ। हम जब तक पुलिस वालों को रोकते हैं ताकि तुम्हें निकलने का मौका मिले। बस ओके। अपनी जगह से नहीं रहे, कोई भागने नहीं पाए, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो। चरस कहां है?
बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे ये सूरज कहां से आ गया? इन लोगों के साथ भेज दो। पुलिस को रोक आगे मत बढ़। चलो जल्दी करो। सारा माल और सब लोग चले गए। यस सर। दस पैसे कम कम कम। पुलिस गेट तक तो पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में यहां भी पहुंच जाएगी। बेहतर है कि हम उनके रास्ते में छुपे हुए माइंस लगा दें ताकि वो जैसे ही यहां पहुंचेंगे टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएंगे। Come on!
और गाड़ी में इतना माल है कि मैं गाड़ी छोड़ नहीं सकता। Are you okay, my boy? I'm okay, sir. लेकिन वो कमीना मेरे हाथ से बचा निकल गया। कोई बात नहीं, मगर सूरज तुम्हें इस तरह अकेले नहाते उस आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए था। ये नादानी है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन उसे देखकर सूरज तुम्हें चोट लगी है। चलो अंदर चलते। सूरज तुम्हें इस वक्त अपनी जाती दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और हर बात उस मिशन को सामने रखकर करनी चाहिए जिस मिशन पर तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी कौम ने तुम्हें इतनी दूर भेजा है। मैं जानता हूं सर, लेकिन उसे देखकर मेरा खून खौलने लगा था। उस जलील उस कमीने को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ऑपरेटर प्लीज ट्राई रूम नंबर 304 अगेन। मदर मेरी, निराश होकर तेरे पास आई हूँ। सबका आसरा तो तुम ही हो। मेरा प्यार कितना मजबूर है माँ, सब कुछ जानते हुए भी मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती और उनकी जान खतरे में है। देवी तू तो जानती है वो बेगुनाह है, उसके साथ इंसाफ कर माँ, उसके साथ इंसाफ कर। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम, घर की अंबर सोले सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना जीवन सुना ये पागल प्रेमी बोले याद आई आजा तेरी याद आई।
भी है मौसम भी है, फुर्सत भी है मौसम भी है, मन है रंग रलियों में छुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा कलियों में, ये आवाज लगाई के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। सुना तेरा भाई जिंदा है? रॉबर्ट तो कह रहा था कि वो शैतान की औलाद तुमसे झूठ बोलता रहा है। मैंने खुद रॉबर्ट को और कालीचरण को बातें करते सुना है। तुम्हारा भाई माल्टा में है और पुलिस ऑफिसर है। पुलिस बल्कि पुलिस ने जिस दिन क्लब पे छापा मारा था ना, उस दिन वो भी उनके साथ आया था। क्या क्या भैया वहां आए थे? सच? और मैं बदनसीब उन्हें इतने से देख भी न सके। उस वक्त नहीं देख सकी तो क्या हुआ? अब उन्हें बुला लो, वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं तुम्हारे यहां से निकलने में पूरी मदद करती हूँ। सच अगर यहां से निकल गई जाऊंगी तो अपनी भैया के पास। कौन सा मुंह लेके जाऊंगी? बेवकूफ न बन, जिस बात में आके मौके को हाथ से जाने न दे तो उसे फोन कर, वो तुम्हें आके ले जाएगा। अगर क्या सोचती है? तेरे दिल में मेरी तरह इन लोगों के खिलाफ इंतकाम की आग नहीं भड़कती? आग मेरे दिल में तो एक ज्वालामुखी है लैला, जिसके तहते शोलों में इन लोगों को जिंदा जला देने को जी चाहता है। तो फिर क्यों इंतजार करती है? यही मौका है ना सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने का, बल्कि उन सैकड़ों लड़कियों की जिन्हें उन्होंने बर्बाद कर रखा है। चल चुपके से कहीं से फोन करके। यस, एक सूरज कुमार के लिए टेलीफोन है। मेरे लिए? कौन कौन है जी? कोई लड़की बोल रही है। लड़की? वही तुम्हारी एक्ट्रेस होगी। इम्पॉसिबल, उसे कैसे मालूम मैं इंटरपोल में? हेलो हेलो भैया कौन? भैया मैं मुन्नी बोल रही हूँ। मुन्नी? कौन मुन्नी? अच्छा नहीं भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन मुन्नी बोल रही हूँ। लेकिन मेरी बहन तो आग में जल गई थी। मैं आग में नहीं जली भैया, जिंदा हूँ। तुम जिंदा आया भैया? कहाँ तुम, कहाँ से बोल रही हो? मैं कहाँ से बता रहा, कहाँ से बोल रही हो तुम? चलते बताओ मुन्नी। भैया मैं कैसे बताऊं कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मैं बहुत बुरे लोगों के बीच में फंस गई हूँ भैया, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा के ले आए। कौन है ये लोग? भैया
ये कालीचरण के आदमी है। कालीचरण? हाँ भैया, कालीचरण बहुत बड़ा स्मगलर है। उसने हमारे घर को आग लगवाई थी। आज इस क्लब पे आपने पुलिस वालों के साथ छापा मार डाला। हम लोग वहीं थे। तू वहाँ थी मुनी? भैया भैया मुझे यहाँ से निकाल लो। हाँ मुनी, मैं तुम्हें बचा ले जाऊंगा। लेकिन मुझे बता तो सही, तुम कहो कहाँ? मैं अपनी एक सहेली की मदद से फोन कर रही हूँ। सुनने की जगह बता, जो तुम्हें बताइए। भैया वो टाइगर ही ले ना, उसके ऊपर जो खंडर है, शाम को 5 बजे मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगी। उससे कहना आगे नहीं है, किसको साथ में नहीं है। सुनो भैया, वहाँ चारों तरफ उसके आदमी है, आप अकेले आना और छुप के आना। कोई भी पुलिस को साथ मत लाना, और अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। और फिर भैया तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख सकोगे। फिक्र मत करो मुनी, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें अगर ले जाऊंगा। बस कोई आ जाएगा। मुनी, थैंक यू लेना। शाबाश रॉबर्ट, क्या चाल चली है तुमने। वाह, ये तो सब लैला की एक्टिंग का कमाल है। वेल डन स्वीटहार्ट, इस काम के लिए तुम्हें मुंह आना इनाम मिलेगा। थैंक यू बॉस। मैं सूरज को लाकर आपके कदमों में खड़ा दूंगा, लेकिन उसकी मौत मेरी गोली से होगी, क्योंकि जो काम मेरी वजह से अधूरा रह चुका है उसे मैं ही पूरा करूं। मुकाबला करने आए थे ये खिलौना लेकर है। उन्हें शेर कहलाने का शौक होता है, वो मक्कार लोमड़ी की तरह छुप कर वार नहीं करता। जानता नहीं किससे बात कर रहा है तू, सर झुका के बात कर। जानता हूँ, एक जलील कुत्ते के सामने जिसके गुनाह मौत बनकर उसके सर पे मंडरा रहे हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को गुनाहों से मरते नहीं देखा, सिर्फ गोलियों से मरते देखा। और जिस गोली में तुम्हारी मौत लिखी है वो इस बंदूक में बंद, मैं तुम्हें इसी गोली से खत्म कर दूंगा। लेकिन मजबूर हूं, कालीचरण को जबान दे चुका हूं कि एक बार मरने से पहले तुम्हें जिंदा उसके सामने डाल दूंगा। ले चलो इसे। Oh, my God.
भैया अब इस रतकनी को तोड़ दो और भाग जाओ। कैसी बातें करती है पगली, इतने दिनों के बाद मेरी बहन मिली है, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अब अपने आप को बचा लो भैया। जागने की ड्यूटी आ गई है, उठ खोले जा मुझे। इधर ही है यार, भूख लगी है, वो खाने की गोली खा। वो मेरी जेब में हाथ से निकाले, हाथ डालू के बर्तन अकेले खाता है, तू भी खा यार। तू खाने की गोली लाए, दारू की गोली क्यों नहीं लाए? चुपचाप सो जा, अपन लोग ड्यूटी पर है यार। और एक बहुत जरूरी काम याद है। क्या? इधर मत करना, पकड़े जाएंगे सारे। नहीं नहीं नहीं, तू पकड़ा है, तू पकड़ सो जा। अच्छा, आज हमारी हर बाजी उलट रही है। पहले शेख पकड़ा गया, फिर हमारा बेहतरीन दोस्त मारा गया, और सूरज अपनी बहन को निकाल ले जाने में कामयाब हो गया। अब हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। माइकल, ये सारी चरस बोट में लदवा कर अपने आदमियों के साथ तुम फौरन जजीरे पहुंच जाओ। ओके सर। और देखो, तुम भी इनके साथ जाओ। जाएंगे, शेख को जेल से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है और हमारे ही अड्डे पर पकड़ा गया है। उसे छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी। सर, इसका इंतजाम हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारा आदमी है, आज रात शेख को बाहर निकाल देगा। वेरी गुड। जाएंगे, तुम यहीं ठहरो और शेख को लेकर सीधा जजीरे पर आ जाओ। बाकी तमाम चीजें तैयार हैं, तमाम बोट्स वक्त पर रवाना हो जाएंगे और हमारा बोट वो अपनी जगह पर तैयार मिलेगा। वेरी गुड। अब तुम लोग जा सकते हो। मगर अगर मगर का मेरे पास बिल्कुल बात नहीं है। चलो जाइए। ओके। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपकी चरस यहाँ तक ला दी, अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। नहीं, जब तक हमारी सारी चरस बिक नहीं जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हो सकता है कि हम शेख को छुड़ाने में नाकाम हूँ और ऐसे वक्त में हमें तुम्हारे डांसिंग ट्रिप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कब तक मैं ऐसे? सुधा, ये न भूलो कि अभी तुम्हारे पिताजी और बहन हमारे ही मेहमान हैं। हम नहीं चाहते कि इस बुढ़ापे में उन्हें हमारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। जाएंगे, मिस सुधा को भी उनके साथ भेज दो। यहाँ से सामान निकाला जा रहा है, ये लोग किसी टापू पर जा रहे हैं। राइट सर। एक और खबर, पुलिस का कोई आदमी इनसे मिला हुआ है, ये लोग शेख को जेल से भगाने वाले। व्हाट? नो।
अबे यार, बॉस माल्टा से क्या प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां लेकर आए, कोई हमें नहीं मिल सकती? अबे खूबसूरत सिर्फ बॉस लोगों के लिए होता है, हम गरीबों के पास तो सिर्फ खूबसूरत सपने ही रहते हैं डार्लिंग। चलो गम गलत करेंगे, चोरी का माल है। अबे सवा घंटे बावर्ची की मालिश की है तब जाके एक तंदूरी मुर्गी हाथ में आई है, समझे? ये ले, इसमें से दो गिलास निकाल खड़ा कर। ए भाई, ये तेरा और ये मेरा। हाँ मैं दोनों भर देता हूँ। तेरा मुर्गी ले, ले यार, ये तेरी। हाँ ये ले, ये तेरा, ये एक तेरी, ये तेरा। चल मुर्गी उधर ले और छड़ा रिस्टार्ट कर। अच्छा भाई, ये भी आते आते एक लौटिया को आग तो मारी थी। अगर आ गई तो मजा आ जाएगा, मजा बहुत मजा आएगा। इसी बात पे कोई वजह आए। अबे मेरी भी स्पीड है। अबे तेरी स्पीड फास्ट है, फास्ट मेरी। और निकाल, और निकाल। मेरी स्पीड फाइव मिनट है। अबे मेरी भी मुर्गी खा गया सब है। अबे उसकी स्पीड भी फास्ट हो गई, उड़ गई होगी। उसको छोड़ डका तो ये अभी लड़की कभी आती है। अब आएगी, आएगी जरूर आएगी। तो दारू भी दारू बहुत तो जरूर आएगी, जरूर आएगी। तू हंसा क्या है? अबे लड़की अरे बुलबुल अबे किस में? अबे यदि मेरी है। अबे मेरा बोला तो गोली मार। काको करता भाई, देख बात सुन, अपन दारू बांट के पीते हैं ना, है ना? और खाना भी बांट के खाते हैं, है ना? मैं बहुत थक गया हूँ। थक गया नहीं, थक गई हूँ। लेकिन तुम्हारी गद्दारी हमारे काम आ गई। जिस जगह की तलाश में पुलिस परेशान थी, अब तुम्हारी मेहरबानी से हमारा नकली शेख खुद वहां पहुंच जाएगा। नकली शेख? हाँ, असली शेख तो आप हैं। अब ले जाओ इन दोनों को, एक साथ तहखाने में बंद कर दो। देखिए मुझे Thank you.
आइए आइए, जरा संभल कर। खुशामदीद खुशामदीद। शुक्रिया कालीचरण, तुमने हमारी जो मदद की हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो मेरा फर्ज था हुजूर, बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी जगह पर आने की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आइए। तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन उन कमीनों की वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जब गले मिल गए तो सारा गिला जाता रहा। हम गले मिलने का इशारा समझ गए। वो काफिर हसीना आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा? हसीना भी मौजूद है? जी हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हसीना के पहलू में अपनी थकान उतारिए और हम बोट में चरस लदवाते हैं। आधी रात को यहाँ से निकल चलेंगे। आधी रात क्यों कालीचरण? हम बहुत थके हुए हैं, एक रात आराम करेंगे, इसके बाद जाने के लिए सोचेंगे। वैसे तो कोई बात नहीं हुजूर, लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं पुलिस को हमारे इस अड्डे का भी पता न चल जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जल्द अज जल्द निकल चले। बचाव? डर तो इस बात का है कि मेरा जानी दुश्मन सूरज कुमार भी पुलिस में शामिल हो गया। ठीक कहते हो, दुश्मन का क्या भरोसा कब बार कर जाए। आइए आइए। लीजिए, मेहमान खाना हाजिर है। आपकी आसाइश का हर सामान यहाँ मौजूद है, किसी से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। ऐश करने वाले ही जान सकते हैं ऐश कैसे किया जाता है। कालीचरण, हम तुम्हारी खिदमत का सिला जरूर देंगे, जरूर देंगे। शुक्रिया। रिपोर्टिंग सर। आर यू ऑल राइट? यस सर, अभी तक तो सब ठीक है। गोमजर रुस्तम मेरे साथ। सर, ये जगह समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है। माल्टा से साउथ ईस्ट 81, नॉर्थ ईस्ट 23, लैंडमार्क पहाड़ी के ऊपर एक पुराना रोमन किला। ये लोग आधी रात से पहले सामान लेकर इटली जाने की तैयारी कर रहे हैं। डोंट वरी, वी विल बी देयर। और तुम लोग उनका निकलना जहां तक रोक सकते हो रोकने की पूरी कोशिश करो, सो दैट वी हैव एनफ टाइम। मैं उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा सर। उनके पास काफी हथियार हैं और लड़ने वाले करीब 50 आदमी होंगे। और मैं कालीचरण के पास रहूंगा और तुम लोग लड़ जाएंगे। Are the boats ready? Yes, sir. Very good. What about the sea tonight? It will be rough. Have you got the weather report yet? Yes, sir. Right. Everything. Right. Very good. Right, let's move the car. Come on. We only got 5 minutes. Let's go. Easy with the mortars. They're easy, doesn't it? Did you bring the dynamite yet? That's right. Make it fast. Make it fast. लीजिए, यह है ख्वाबगाह हुस्न। इस बंद दरवाजे के पीछे किसी का शबाब आपकी जवानी का इंतजार कर रहा है। शबाब और शराब। चाबी आपकी जेब में। आज तक मुझे धोखा ही देती रही, बेवफाई। तेरा नाम औरत है, कौन है तुम? हम हैं शेख अब्दुल सत्तार। यहां क्यों आए? ये तो मेरा कमरा नहीं है। बुलबुल हिंद, जिस शबिस्ता में शमा जलती है वहां हर परवाने को आने का हक है। आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगी। गुलबदन जाने मन क्या कातिलाना अंदाज है। हसीना के एक हाथ में जब पिस्तौल हो तो दूसरे हाथ में जाम होना बहुत जरूरी है। हम सो
समझ गया आप हमें क्यों पसंद नहीं करती, इसलिए कि हम जरा लकड़ा के चलते हैं। बंद करो ये तमाशा, निकल जाइए जाओ। हम जब न होंगे तो क्या रंग महफिल, किसे देख कर अब शर्माएंगे। ऐसी कितनी ही हिरनी है इसी तरह तिल मिलाती रही, लेकिन शहर पकड़ने से भक्त नहीं पाई। मैं हिरनी नहीं जिसे कोई भी शिकारी पकड़ ले, मैं नागिन हूँ जो ढस भी सकती है। नागिन हो तो हम दौलत की बीन बचाकर तुम्हें अपने पास में कर ले। मुझे दौलत नहीं चाहिए, एक शरीफ औरत किसी भी कीमत पर नहीं बिकती। शरीफ औरत जो स्मगलर्स के गांव में काम करते है वो शरीफ औरत, जो चरस का धंधा करती है वो शरीफ औरत, जिसका बिजनेस धोखा फरेब और बेवफाई है वो शरीफ औरत। हाँ हाँ ये सब मैं करती हूँ, लेकिन इसकी कोई वजह है, कोई मजबूरी है, फिर भी मैं किसी के रखे नहीं अपना शरीर नहीं बेचा। शरीर नहीं बेचा इसलिए कि हमारे जैसा खरीदार नहीं मिला होगा। तमीज लड़की, तुमने शेख का प्यार देखा है, जलाल नहीं देखा। हम लम जरूर है लेकिन हमारे बाजुओं में बेपनाह ताकत है। हम तुम्हारे लिए सोने चांदी के महल बनवा देंगे, हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। नहीं शेख नहीं, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, मुझे बर्बाद मत करो, चाहे तो मुझे मार डालो। हम तुम्हें जिंदगी देने आए हैं, मार कैसे डालेगा। मगर जो औरत किसी के प्यार की कसम खा चुकी हो वो पराए मर्द के हाथ लगने से मर जाती है। शेख मेरे प्यार को बर्बाद मत करो। ये कोई नया फसाना है, कोई नया बहाना है गुलबदन? नहीं नहीं ये बहाना नहीं, ये सच है। मेरा प्यार किसी की अमानत है, मुझ पर रहम करो। अमानत? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है शेख, ये सच है। कौन है वो जिसकी खातिर तुम दुनिया की हर खुशी ठुकरा रही हो? तुम उसे नहीं जानते, वो एक मामूली आदमी है, कपड़े की मिल का एजेंट। कपड़े की मिल का एजेंट? हाँ। हम समझ गए, वो है सूरज कुमार जो हमारे रास्ते में आ रहा है। तुम उसे जानते हो? शायद सब जानता है, वो कालीचरण का जानी दुश्मन है और फेस बदल कर हिंदुस्तान से उसका पीछा कर रहा है। शायद तुम ये नहीं जानती, वो इस वक्त इस कल्ब में कायल है। क्या वो यहाँ है? हाँ, और आज हमें पता चल गया वो कालीचरण का ही दुश्मन नहीं, हमारे रास्ते का भी पत्थर है। हम आज ही उसका सर कलम करके तुम्हारे सामने लाएंगे। नहीं नहीं, शेख सूरज कुमार। इतना बड़ा इम्तिहान लिया, अगर मैं मर जाती तो? मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी बचा लेता। शेर अब्दुस्सत्तार और सूरज कुमार, एक्टर तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन कालीचरण को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो तुम्हें देखते ही शक हो गया था। तुम्हें नहीं मालूम कि हमने इस कमरे में माइक लगवा दिए थे और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ओ, पिस्तौल तो बहुत अच्छा है, और इसी पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने के पार कर दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं। जाहिर है कि तुमने पुलिस को इत्तला दे दी, और अगर पुलिस आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का सौदा शायद उसके साथ करना पड़े। जाएंगे अलार्म बेल और सारा सामान कश्तियों पर लदवा दो, इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे हम लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, और इन लोगों को अपना कैदी बनाकर साथ ले चलो। आइए, कम ऑन बी क्विक। कमान यू फेलिक्स, हरिया वी हैवंट गॉट टाइम। और देखो
तुमने सब जगह बारूद भर दिया? यस सर। शाबाश, जैसे ही हम लोग हिफाजत से बाहर निकल आए तुम लोग सारी सुरंगें उड़ा देना। ओके। और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, दो दिन के अंदर हम लोग सिसली के जजीरे पर मिल रहे हैं। सारा मिशन फेल हो जाएगा। Thank you.
ओ बालम हर जाए के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई।